आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बांसुर की ओर से आज जो समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों के माध्यम से एक साइकिल रैली आयोजित की गई, जो आरसीआई सिटी ऑफिस हरसोरा चौराहे से प्रारंभ होकर मुख्य मार्केट से होती हुई आरसीआई कैंपस कोटपुतली रोड बांसुर पहुंची। इसमें सर्वप्रथम तो मैं मेरे समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक छोटी सी मुहिम के लिए हमने विद्यार्थियों को कहा और उसी छोटे से मैसेज पर विद्यार्थियों ने साइकिल लेकर के इस विशाल रैली जो है इसका आयोजन किया। इस रैली के पीछे सबसे मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में ईगोस्टिक जो भावना है उसको दूर करना था। विद्यार्थी साइकिल लाने में संकोच करता है, इसलिए संकोच करता है कि अन्य विद्यार्थी साइकिल नहीं लाते हैं या उनके स्टाफ जो गुरुजी हैं वो साइकिल नहीं लाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद ने भी निर्णय लिया है कि आरसीआई एजुकेशन हब से आरसीआई सिटी ऑफिस तक मैं भी साइकिल जो है उसको यूज किया करूंगा। और ये मैं समस्त देशवासियों के लिए भी कहना चाहूंगा कि हम सबको इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड वहां के प्रधानमंत्री जब संसद तक साइकिल से जा सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री। मैं नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहूंगा कि आप भी इस प्रकार की इस मुहिम जो है उसको देश के लिए, हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए, देश के युवाओं के लिए, हम सब के लिए आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में पूरे देश जो है उसको मोटिवेट करें। पुनः मैं सभी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि ये जो मुहिम है, इस मुहिम को हमें पूरे देश में सभी स्कूल्स के माध्यम से, सभी कॉलेज के विद्यार्थियों के माध्यम से अधिक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज का जो युवा है उसमें एक्सीडेंट होने के जो चांसेज हैं या एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें अधिकतर जो संख्या है वो 14 साल से लेकर के लगभग 18-19 साल तक के बच्चे होते हैं जो बाइक लेकर के स्पीड से बाइक चलाते हैं और गिरने के बाद में बच्चों के साथ में हादसा हो जाता है। साइकिल है उनके कंट्रोल में रहती है, इसलिए बहुत जनहानि जो है वो भी बचेगी और एक नया मैसेज भी जाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी, एनवायरनमेंट जो है वो भी ठीक रहेगा और विद्यार्थियों का ईगो भी दूर होगा। इसलिए इस मुहिम के लिए पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। आज आरसीआई एजुकेशन हब की तरफ से जो साइकिल रैली निकाली गई है, ये पूरे बांसुर नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे देश के लिए बहुत अच्छा मैसेज गया है। स्वस्थ रहेगा आदमी तो ही आगे बढ़ेगा आदमी, पर्यावरण के लिए भी और आपके पर्सनल स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने एक इनिशिएट लिया है। और मैं विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि ये मुहिम ऐसे आगे चलाती रहे। और मैं भी चाहूँगा कि मुझे भी एक साइकिल दे दे तो मैं भी आगे साइकिल से रहूँगा। मैं बाइक वगैरह सबको नहीं, अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है, इनसे काफ़ी लोगों को होप मिलेगा। और मैं भी चाह रहा हूँ कि हमारे भी जो कोचिंग डिफेंस यूनियन है इसमें सभी डायरेक्टर्स के पास एक एक साइकिल दो कम से कम। तो जब मुझे इतनी होप मिली है तो मुझे नहीं लगता कि बांसुर में आज जितनी भी इतनी बड़ी रैली निकली है हर जने को बहुत बड़ी होप मिली होगी और सभी लोग इस पर डिसीजन लेंगे। धन्यवाद। आरसीआई एजुकेशन अब में जो ये साइकिल रैली निकली है इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी आज साइकिल लेके आई हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि आज से सब यही प्रण ले कि वो भी साइकिल से आए या फिर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी दूर तक ले ही जाए। नमस्कार, आज आरसीआई एजुकेशन हब की ओर से साइकिल रैली का मुहिम एक तरीके से यहाँ बांसुर सिटी ऑफिस नगर पालिका मुख्य द्वार से होती हुई आरसीआई के मैन भवन में पहुंची, जिसमें सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्टाफ साथियों का काफी सहयोग रहा। इससे हमारे पर्यावरण
और शारीरिक स्वास्थ्य जो हमारे शरीर के लिए, उन सभी को देखते हुए हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हमें साइकिल से ही ज़्यादा नहीं 2-4 किलोमीटर चलना चाहिए ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, और सभी को ये प्रण लेना है। सभी को नमस्कार। आज ये RCI शिक्षा ग्रुप के द्वारा जो साइकिल अभियान चलाया गया, पर्यावरण को देखते हुए बहुत अच्छा लगा, स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा जो ये अभियान शुरू किया है इसको हम देशवासियों के द्वारा आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से अगर ये अभियान आगे चलता रहा तो आर्थिक बचत तो होगी, बाकी शारीरिक वर्जिश भी होगी। इसलिए मैं कहूँगा कि इस अभियान को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। धन्यवाद।